हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं बेस शिजवान फ्राइड राइस और गोभी चिल्ली, जो कि दो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल झटपट घर में आप 10 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हैं हमारी तरह टेस्टी और लाजवाब शिजवान फ्राइड राइस और गोभी चिल्ली। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें हम गोभी को बॉयल करेंगे। तो एक गोभी को हमने कट करके रखा है और इस गर्म पानी में इसको अब डाल देते हैं। डालने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा नमक डालना है आपको, तो में थोड़ा सा नमक डाल दिए और इसको जो है 60% तक पकाना है, पूरा 100% नहीं पकाना है आपको। तो यहाँ पे 60% तक ये बॉईल हो चुका है। अब इसको जो है एक छन्नी में छान लेंगे। छानने के बाद जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हम मिक्स करेंगे ये वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो यहाँ पर एक छन्नी में इसको हम जो है छान लेते हैं। छानने के बाद जो है इसमें हम मसाला और अरारोट डाल के मिक्स करेंगे इसको, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो ये छन चुका है। छनने के बाद इसको एक बर्तन में हमने निकाल लिया और इसमें एक स्पून रेड चिल्ली पाउडर और एक स्पून जो है नमक हमने छोटा सा डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसमें हम कॉर्नफ्लोर यानी आरारोट को डालेंगे। आरारोट को डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, ज़्यादा इसको गीला ना करें, इसको मिक्स करें। अगर ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा मार दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम और मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हल्का छींटा मारेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर हमने अब तेल गर्म में एक एक करके इसको इस तरह करके फ्राई करना है। तो यहाँ पर तेल जब गर्म हो जाएगा तो एकदम बिल्कुल इसको एक एक करके इस तरह करके छोड़ना है और इसको जो है फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो है इसको हम निकाल लेंगे इसी तरह करके सब। तो यहाँ पे इस तरह करके फ्राई करना है, डालना है और ये एक दूसरे में चिपक भी जाता है तो इसको आप छनौटे से जो है अलग अलग कर लें, नहीं तो एक दूसरे में चिपक भी जाता है क्योंकि आरारोट होता है थोड़ा सा चपक जाता है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह करके अलग अलग कर लेता है, अलग अलग पीस हो जाएगा। तो इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बार हमने फ्राई कर लिया है, उसके बाद जो है जो भी बचेगा उसको हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो एक बार फ्राई करके हमने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से फ्राई आपको करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक इस तरह का करना है, फ्राई ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह करके फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद गोभी चिल्ली आपको बना करके दिखाएंगे। तो एक बार हमने फ्राई करके निकाल लिया है और बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे। तो देखिए सारा ये गोभी को हमने फ्राई कर लिया है। आप गोभी चिल्ली जो है रेडी करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ एक बर्तन में हमने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद जो है इसमें क्या चीज़ें और डालेंगे, तो यहाँ पे कटा हुआ हरा मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, रिंग ऑनियन है, इसको बारीकी से काट के रख लेना है आपको। उसके बाद जो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पहले डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे, उसके बाद इसमें चॉप ऑनियन डालेंगे और दो चीज़ इसमें और डलेंगी जो कि कैप्सिकम यानि शिमला मिर्च और प्याज, जो कि बड़े पीस में कट करके रखना है, जो कि गोभी चिल्ली हो या पनीर चिल्ली हो जो भी हो इसमें बड़े पीस में डलता है। तो यहाँ पर चॉप ऑनियन पहले डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जो है थोड़ा सा और चलाएंगे, उसके बाद जो है शिमला मिर्च प्याज जो बड़े साइज में कट करके रखा है उसको इसमें डालेंगे गोभी चिल्ली में, वो डालना जरूरी है। तो यहाँ पे प्लेट में हमने पहले से कट करके रखा है, देखिए बड़े साइज में शिमला मिर्च और प्याज, अब इसको डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको और थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद जो है इसमें क्या क्या मसाले जो है ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो किसी भी फूड को जो है टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में हम डालेंगे ये डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिख देंगे। तो यहाँ चिल्ली सॉस है, ग्रीन चिल्ली सॉस थोड़ा सा डाल दिए और इसमें सोया सॉस डालना है, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया हमने। अब इसमें टमाटो सॉस डालेंगे थोड़ा सा। टमाटो सॉस डालने के बाद जो है इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। टमाटो सॉस डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे। चलाने के बाद जो है इसमें ब्लैक पेपर यानि पिसा हुआ काली मिर्च और एरोमेटिक पाउडर डालेंगे। तो यहाँ एक स्पून जो है ब्लैक पेपर यानि पिसा हुआ काली मिर्च डाल दिए और एक स्पून जो है एरोमेटिक पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहे तो अजीनामोटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार इसमें नमक हमने डाल दिया है और थोड़ा सा विनेगर डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। तो जो भी हो, गोभी चिल्ली हो, सोया चिल्ली हो या चिल्ली पनीर हो, ये जब भी बनाया जाता है इसमें थोड़ा सा होटल वाले जो है फूड कलर डालते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे फूड कलर डाला है तो देखिए देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा सा। अब इसमें मिक्स करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर यानी आरारोट को जो है घोल करके डालेंगे। तो इससे क्या होगा, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसमें आरारोट ज़रूरी है घोल करके डालना। तो इसमें डाले हमने एक बड़ा चम्मच आरारोट को घोल करके। अब इसमें थोड़ा सा पानी
हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेवीदार बनाने के लिए, ताकि हमको फ्राइड राइस के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा ग्रेवीदार बनाएंगे। ये ड्राई भी बनता है, तो यहाँ पे हमने ग्रेवी बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रेवीदार बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किए। अब ये फ्राई जो गोभी है इसमें हम डाल देते हैं, उसके बाद जो है इसको 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम फ्राइड राइस आपको बना करके दिखाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे गोभी चिल्ली जो है बन करके अब रेडी हो चुका है। इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर से रिंग ऑनियन अब डालना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पे झटपट में आप बना सकते हैं इस तरीके से, आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है ये कटा हुआ रिंग ऑनियन डाल देते हैं, उसके बाद जो है इसको साइड कर लेंगे। अब उसके बाद जो है फ्राइड राइस हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में हमने 300 ग्राम राइस लिया है, और इसको जो भिगो देना है आपको, पहले 1 घंटा पहले आपको भिगो देना है। जब भी फ्राइड राइस बनाए तो भीग जाएगा, तो इसको 2-3 पानी से धुल करके, तो यहाँ राइस बॉईल करेंगे हम। तो गर्म पानी में हमने तेल डाला है सबसे पहले, और इसमें धुल करके राइस को डाल देते हैं। तेल डालने से ये होता है कि राइस जो है एक दूसरे में चपकेगा नहीं, अलग अलग रहेगा, तो फ्राइड राइस जो है आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बॉईल हो चुका है राइस, में उबाल आ चुका है, और इसको जो है आपको 70% तक ही पकाना है, 70 से 80% तक, 100% राइस को नहीं पकाना है फ्राइड राइस को, नहीं तो एक दूसरे में चपक जाएगा, तो फ्राइड राइस आपका गीला गीला बनेगा। तो यहाँ 80% तक ही आप पकाएं, ताकि जब भी फ्राइड राइस बनाएं तो राइस इसका अलग अलग हो। तो आप फ्राइड राइस बनाते हैं, तो यहाँ कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद इसमें क्या क्या वेजिटेबल पड़ेंगी यहाँ दिखाते हैं। बीन्स है, गाजर है, और कटा हुआ पत्ता गोभी है, गाजर है, और रिंग ऑनियन भी है। तो सबसे पहले चॉप गाजर और बीन्स को हमने डाल दिया है। उसके बाद जो है थोड़े से लंबे पीस में गाजर और पत्ता गोभी को कट करके रखा था, इसको भी इस तरह करके डाल देना है। डालने के बाद जो इसको चलाएंगे, चलाने के बाद जो इसको थोड़ा सा हाफ डन करना है। इस वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हाफ डन ही पकाना है। उसके बाद जो है इसमें राइस हम डालेंगे। जो भी खाना चाइनीज का बनता है वो बिल्कुल हाफ फ्राई यानी हाफ डन ही होता है, पूरा नहीं पकाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। तो यहाँ पे वेजिटेबल हमारा हाफ डन हो चुका है। अब बॉईल किया हुआ राइस इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे राइस को हमने डाल दिया है। डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो जब भी राइस आप बॉईल करें, बॉईल करने के बाद जब भी छाने, उसके ऊपर 1-2 ढक्कन तेल डाल दें। डालने के बाद इसको मिला लें और उसको जो है पंखे के नीचे रख दें, ताकि आपका अच्छा सा फ्राइड राइस बनेगा, ड्राइड राइस सा। तो यहाँ पर हमने इसी तरह का किया था, पंखे के नीचे रख दिया था। अब इसमें डालने वाले हैं एरोमेटिक पाउडर। अगर एरोमेटिक पाउडर तो अजीनोमोटो डाल दें आप। अब इसमें ब्लैक पेपर यानी पिसा हुआ काली मिर्च हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि गोभी चिल्ली में ऑलरेडी हमने नमक डाल रखा है, तो दोनों में अगर बराबर रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कम मात्रा में इसमें हमने नमक डाला है। अब इसमें जो है सोया सॉस डालने वाले हैं, तो यहाँ पे सोया सॉस डाल दिए। डालने के बाद इसमें अब सिजवान सॉस डालेंगे। तो ये सिजवान सॉस मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो यहाँ सिजवान फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो सिजवान सॉस हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यानी चला लेंगे। चलाने के बाद ये फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक से एक रेसिपी हम लेके आते हैं, अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फाइनली यहाँ पे फ्राइड राइस भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसको जो है सर्विंग बाउल में आपको सर्व करके दिखाएंगे। इसके ऊपर जो है रिंग ऑनियन जो है कटा हुआ हम डाल देते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे गार्निशिंग करते हैं उसी तरह रिंग ऑनियन डाल दिए। अब इसको जो है सर्विंग बाउल में सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ चाइनीज बाउल में हमने डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा रिंग ऑनियन डाल देते हैं। उसके बाद जो है गोभी चिल्ली भी आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ गोभी चिल्ली भी बॉल में डाल देते हैं। डालने के बाद जो है इसके ऊपर रिंग ऑनियन डाल देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।